نحمده ونسلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته पिछले सेशन में हमने ज़मायर के हवाले से जो पहली कैटेगरी थी जमायर मुनफसला जुड़े हुए अटैच्ड ज़मायर उसकी बात की थी और वहां पर मैंने आपको सेकंड uh, फर्स्ट और थर्ड पर्सन का तारुफ भी करवाया था आज हम जमायर मुतसला जो जुड़े हुए यानी अटैच्ड जमायर या प्रोनाउंस हैं उन पर बात करेंगे यानी uh, जैसे ही इज़ वॉकिंग वो ही अलग है और वो जा रहा है वो एक अलग लफ्ज़ है इसकी शक्ल में नहीं वो को जब इसम के साथ ही जोड़ देंगे या ही को जब इसम के साथ ही जोड़ देंगे तो वो सिर्फ अरबी ही में होता है उर्दू और इंग्लिश में नहीं होता तो ये जुड़े हुए जमायर मुतसिला पर आज हम बात करते हैं इसमें गायब यानी थर्ड पर्सन मुजक्कर के लिए ही वो एक मुजक्कर किताब ही वो एक मुज़क़्कर की किताब हुमा वो दो मुज़क़्कर किताब हमा वो दो मुज़क़्कर दो लड़कों दो मर्दों के लिए जब आएगा तो हुमा या किसी भी मुज़क़्कर चीज के लिए जब आएगा तो वो दो मुज़क़्कर हुम वो जमा मुज़क़्कर। तो अगर आप इसको मुतसिल के साथ देखें तो फ़र्क तो सिर्फ फिर वाहिद का हुआ ना। वाहिद ने वहाँ होवा था यहाँ ही है वहाँ पर तस्निया और जमा के लिए हुमा और हुम ही था तो हुमा साथ भी लिखा जा सकता है और हुमा जो है वो जमायर मुतसला में से वो है जो मुजक्कर तस्निया के लिए लिखा जोड़ जोड़ के भी लिखा गया हो सकता है और अलग लफ्स में भी हो सकता है इसी तरह होम इकट्ठा भी हो सकता है और हम अलग भी लिखा जा सकता है तो नया वर्ड जो आपने जमायर मुतसला में देखा मुजक्कर वाहिद के लिए वो क्या है वो ही है और मुनफसला में अल्बता वो होनस हा वो एक मुनस दो के लिए हुमा और जमा के लिए होना तो फर्क यहां पर भी सिर्फ वहां पे हिया था और यहां पर हा है तो वो एक मुआनस के लिए जब जुड़ा हुआ वर्ड होगा किताब हु तो वो हा होगा लेकिन अगर अलग होगा तो फिर वो हिया होगा अब इसको याद कर लीजिए ही हुमा हुम हा होना वहां पे क्या था मुनफसिला में क्या था हुआ हुमा होम फिर होमा हिया होमा हुन्ना और मुतसला में फिर दोहरा लीजिए ही होमा होम हा होमा हुन्ना अब सेकेंड पर्सन हाजिर इसमें मुजक्कर में काफ जबर का किताबू का तू एक मुजक्कर की किताब है मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हुआ है मैं उसको कहती हूं कि ये तेरी किताब है तो मैं क्या कहूंगी किताबू का कुमा तुम दोनों के लिए तुम दो मुज़क़्कर तस्निया के लिए कुम तुम बहुत से मुजक्कर के लिए और में वही बात जो मैंने आपको पिछली दफा बताई थी काफ सुबर का तू एक मुजक्कर के लिए और काफ सिर की तुम एक मुन्नस के लिए और कुमा तुम दो मुन्नस के लिए तो यही वो वर्ड्स हैं जो आपको कुरान में आएंगे का कुमा कुम की और कुमा और मुतकलम के लिए वर्ड आएंगे वो वाहिद के लिए छोटी या या फरहबूनी ई या सिर्फ मुझसे ठीक है तो या जब आ रहा है तो वो मैं के लिए और जब ना आ जाता है तो फिर उसका क्या है फल ना हमने किया हमारा ये बात है खलक ना हमें तख्लीक किया अल्लाह ने ना जो है वो जमा के लिए आ जाता है मुतकलम के लिए हम और हमारा अगर फिर से दोहरा लीजिए ही हम हुम, हा हुमा हुन्ना, ये थर्ड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के लिए का कुमा कुम की कुमा और मुतकलम के लिए छोटी या और ना हाँ जी अब आज के हरूफ कर लीजिए आइंदा का मतलब पास किसी चीज के जो करीब होता है आइंद मेरे घर के पास सुम्मा फिर अगेन कद शॉट शौर डेफिनेट कोई शकी नहीं है कद यकीन लक़द लाम जबर ला का मतलब क्या होता है अलबत्ता लक़द अलबत्ता यकीन लाला ताके शायद अन ये के बाद ये तो हमारा उर्दू का लफ्स है बाद में आफ्टर लेटर अन से माआ ये तो आप उर्दू में बहुत दफा देखती हैं और मैंने आपको बताया था हम अपने कार्डों पे और इनविटेशन पे लिखते हैं कि आप इनवाइटेड है कैसे ब माँ और बाजर भी का मतलब भी साथ होते हैं और माँ का मतलब भी साथ होता है और हम उर्दू लिखते हुए क्या लिख रहे होते हैं साथ साथ अपने अहलो अयाल के माआ का मतलब है साथ लाकिन उर्दू का लफ्ज है लेकिन ला का मतलब है नहीं ना, डोंट के लिए आता है लर्न भी हरगिज नहीं ये हरूफे नफी हैं डोंट के लिए पीछे आपने पिछले सेशन में हमने हरूफे इस्तेफाम क्वेश्चनिंग वर्ड्स किए थे ना तो ये नेगेटिंग वर्ड्स हैं नेगेटिव वाले ला और डोंट वाले वर्ड्स ला का मतलब है नहीं लर्न का मतलब है हरगिज नहीं लंग तना लुल बिर्रा हरगिज नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते लन का मतलब हरगिज नहीं श्योर शॉर्ट बात है कि नहीं लईसा का मतलब भी है नहीं और माँ पीछे हमने देखा था उसका मतलब है जो और अन का मतलब हमने देखा ये के लेकिन जब एक आयत में उसी आयत में माँ या अन आ रहा हो और उसी आयत में इनके बाद इला आ रहा हो तो फिर मां और अन का मतलब नहीं हो जाता है मैं फिर दोहरा रही हूं वैसे हमने देखा था कि मां का मतलब जो है और अन का मतलब अभी आप पहली लाइन में देखें ये के है लेकिन जब एक आयत में मां आ रहा हो या एक आयत में अन आ रहा हो और उसी आयत में इन दोनों इसी एक वर्ड्स के बाद इल्ला का इजाफा हो जाए तो फिर मां और अन का मतलब जो या ये के नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है नहीं हो जाता है नफी के लिए आ जाता है माम अल्लाह सुबहाना तब सबका और मददगार हो जाए आपके हाफज़ों में फहम में फ़रासत में रवानी में बलागत में इजाफा फरमाए और जो कुरान का तर्जुमा लिख रही हैं उसका बेहतरीन एक एक नुकते का एक एक हर्फ का आपको बेहतरीन अज़रता फरमाए आपको पता है ना जो वह स्याही है वो क़यामत के दिन आलि के कलम की स्याही को जब तोला जाएगा तो वह शहीद के खून से भारी हो जाएगी मेहनत के साथ जो आप पूरे ख़लूस के साथ तर्जुमा लिख रही है कि आपको याद हो जाए और ऐसे याद हो जाए ये कुरान का तर्जुमा और ऐसे समझ आने लगे ये कुरान का तर्जुमा कि आप कारी सुदेश जैसे कारी की भी तेज तलावत सुने तो आपको समझ आती जाए मेरी दुआ में आप शामिल हैं मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा फीमान